जबरदस्त डिश लाया हूँ वो है तंदूरी चिकन। और हम तंदूरी चिकन को आज आखाई बनाएंगे। तो हमको तंदूरी चिकन बनाने के लिए ये देखो हम एक चिकन लिया है, ये आखा चिकन। इसका वजन 700 ग्राम का आसपास होगी। तो पहले हम इसको काट कर लेते हैं चिकन को, ये ब्रेस्ट में ये हमको इस तरह से काटना। देखिए थोड़ा गहराई काटना है क्योंकि इसके अंदर मसाला जाना चाहिए। ये हमको सिर्फ 3 कट लगाना है, इस तरफ 3 कट और इस तरफ 3 कट लगाना है। ये देखिए गहराई कट लगाया है। उसके बाद हम लेग में जाएंगे। देखिए इस तरह से कट लगाना है, ये जॉइंट में भी एक कट लगाना है, यहाँ से भी एक कट लगाना है। पहले कट को थोड़ा ध्यान से रखना है कि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है कटिंग का। देखिए हम पूरा इसको काट कर लिया है, अभी हम इसको मैरिनेशन करते हैं। इसको फास्ट मैरिनेशन करने के लिए हमको चाहिए 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 कश्मीरी चिली पाउडर और 1 स्पून लेमन जूस। हो गया, हम इसको अभी मैरिनेशन करता हूँ। इसके अंदर ये काट के अंदर मसाला जाने चाहिए। अभी ये फास्ट मैरिनेशन कर रहे हैं हम। इसमें क्या है बहुत टेस्टी बनता है, इनको कुछ टाइम तक रखना है, 45 मिनट्स 1 घंटा भी आप रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मसाला जाना चाहिए, बराबर टेस्ट निकालेगा। तो ये हमारा फास्ट मैरिनेशन डन। चिकन बनाने के लिए हमको अभी चाहिए 1 किचन किंग जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, मस्टर्ड ऑयल, ये लेमन जूस, ये पुदीना मिंट, इसको बहुत फ्लेवर देता है, ब्लैक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, जीरा पाउडर, कस्तूरी मेथी और हमारा हैंकट, एक कपड़ा में लटका हुआ दही है। अभी हम इसको मैरिनेशन करते हैं। पहले हमको चाहिए 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 रेड चिली पाउडर, 1 कश्मीरी चिली पाउडर, क्योंकि कश्मीरी चिली में बहुत कलर आता है तो आप कश्मीरी चिली 2-3 स्पून यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 स्पून, सॉल्ट 1 स्पून, कस्तूरी मेथी 1 स्पून, मिंट 1 स्पून और हम अभी डालेंगे लेमन जूस, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ये सब अभी हम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा ऑयल मास्टर ऑयल। ये देख रहे हैं आप कितना डाला है, अब हम इसको मिलाते हैं। हमारा मसाला मिल गया, अब हम इसको डालेंगे दही। दही एक ही मुर्गा के लिए हमने 400 ग्राम दही हैंग किया, हम 200 ग्राम डाल देंगे, काफ़ी हो जाएगा। ये हमारा मसाला रेडी है। मसाला रेडी हो रहा है, इसको अच्छे से मिलाना है। हमारा मसाला अच्छी तरह से आपको देखना पड़ेगा, बराबर मिलाना होना चाहिए, कोई घाट ना बन जाए। देखिए जबरदस्त
हो गया हमारा मसाला। अभी हम इसको मुर्गा में मिला लेते हैं। देखिए ये जो काट मारा है इसके अंदर आपको मसाला जाना चाहिए। जो हम काट लगाया था उसमें ये सब मसाला जाने चाहिए। देखिए वो थोड़ा टाइम रख देंगे। देखिए ये काट के अंदर मसाला जाना चाहिए तो आप बढ़िया टेस्ट आएगी। देखिए हमने इसको पूरा रेडी कर लिया है। अभी हम इसको तंदूर में थोड़ा टाइम रख लेंगे, उनके बाद हम तंदूर में डालेंगे, इसको सरिया में फंसाएंगे और फिर तंदूर में डालेंगे। तो हम पहले इसको फंसा लेते हैं। ये चिकन को ये देखिए किस तरह से फंसाना है, इस तरह से इसको फंसाएंगे। आपको फंसाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह से फंसाना है, सरिया से गिरना नहीं चाहिए। ये देखिए हमारा चिकन फंस गया। ये देखिए इस तरह से फंस गया। हम थोड़ा मसाला लगा लेते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से पूरा टाइट होने चाहिए। अब हम इसको आराम से तंदूर में डालेंगे। ये देखिए हमारा तंदूर ये देखिए ढाल दिया है। अभी ये 20 मिनट तक लगेगा पकने के लिए। 20 हम बंद। देखिए अभी हमारा 10 मिनट हो गया है तंदूर चिकन तंदूर में पकने का। अभी हम इसको थोड़ा सा बटर लगा देंगे। जूसी जूसी होगी, बहुत सॉफ्टनेस होगी। बटर लगा दिया हम। अभी इसको तंदूर में आराम से पकने के लिए फिर ढाल देते हैं। ये देखिए हम ढाल दिया और अभी फिर ढक देते हैं। 10 मिनट के अंदर ये पक जाएगा। देखिए हमारा तंदूर चिकन पक गया है। अभी हम इसको सरिया से इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए पूरा मुर्गा मस्त पक गया है। ये देखिए पूरा रेडी हो गया। हम इसको थोड़ा सा चाट मसाला लगा देते हैं और हम इसको प्लेटिंग में गार्निशिंग कर देते हैं। देखिए पूरा हमारा तंदूर चिकन रेडी है।